यूनिक डिज़ाइन बाय नाज को सब्सक्राइब करें हमारे न्यू और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूनिक डिज़ाइन बाय नाज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइनर कुर्ती बनाने वाले हैं। एक छोटे से टुकड़े से ही हमारी कुर्ती बन जाएगी, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कपड़ा ले लेना है जो भी हमें डिज़ाइन करना है जिस कपड़े से। तो ये बचा हुआ टुकड़ा है, बस थोड़े से ही कपड़े से हमारे डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये बचा हुआ कपड़ा था, अब इसको आपको देख लेना है किधर से हमारी फिटिंग इसमें ठीक आएगी। जितनी हमारी कुर्ती की फिटिंग है उतना ही हमें ये कपड़ा फोल्ड करना होगा। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब एक तरफ से ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो उसको अच्छे से बराबर कर लेंगे। देखिए इधर से मैं अपने कपड़े को बराबर कर लूँगी। ठीक है, जो भी बचे हुए कपड़े होते हैं, वैसे तो हम इसका ट्राउज़र बना रहे हैं, तो ये ट्राउज़र में से बचा हुआ कपड़ा है। अगर आप कोई अलग कपड़े का बनाना चाहते हो, घर में पड़े होते हैं बहुत सारे कपड़े, तो उनसे आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने देखिए बराबर कर लिया है एक तरफ से। उसके बाद हम अपनी कुर्ती को इसके ऊपर रख लेना है, इस कपड़े के ऊपर अच्छे से मिलाते हुए रख लेना है कुर्ती को। देखिए इस तरीके से हमने मिला ली है अपनी कुर्ती। उसके बाद देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमें ये कटिंग करना है। तो सबसे पहले मैं आपको लेंथ दिखा दूं, जो हमारी कोटी लगेगी तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो मैं यहाँ पर 14 इंच के तकरीबन रख रही हूँ। ठीक है, उस इधर भी 14 इंच ही आएगा, तो ये निशान हमें लगा लेना है। मैं आपको बता देती हूँ कि इतनी इसमें लेंथ आएगी, वरना इसमें कोई लेंथ नहीं है, बस एक डिज़ाइन आ जाएगा इसमें। आप देख सकते हो अभी आगे बढ़कर वीडियो में क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बस बता दिया है कि लेंथ कितनी होने वाली है। अब देखिए हम इसी के अकॉर्डिंग इसको कपड़े को कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बराबर से ही हमें कटिंग करना है। फ्रेंड्स, तब तक मैं ये काट रही हूँ, आप ये रेड कलर के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और वीडियो को लाइक कर दें वीडियो पसंद आता है तो। तो फ्रेंड्स अभी मैंने ये कटिंग कर लिया है अच्छे से। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमने कटिंग करके रख लिया है, बचे हुए कपड़े को हमें हटा देना है। और उसके बाद देखिए हमें अपनी कुर्ती को ले लेना है इस तरीके से। ठीक है, लेंथ हमारी इतनी थी, लेकिन मैंने पूरी ही कुर्ती, ये जितना भी कपड़ा था हमारे पास पूरा ही मैंने कटिंग कर लिया है। ठीक है, ये देखिए 14 इंच पर हमारी लेंथ थी, 14 इंच ही हमने लगा ली है। इतनी फिटिंग इतनी लेंथ थी हमारी, लेकिन मैंने कपड़ा पूरा ही ले लिया है। ठीक है, तो अब पूरा कपड़ा हमने कटिंग कर लिया है, अपनी कुर्ती को ओपन कर लेना है। तो सीधा उल्टा देख लेना है हमें कुर्ती का। ठीक है, तो इधर से हमारी कुर्ती सीधी है, तो सीधी तरफ से अब हमें ये रख लेना है। तो ये कपड़ा हमने जो कटिंग करके रखा है, इसको अच्छे से मिलाते हुए ऊपर से देखिए अच्छे से मिलाकर रख लेना है इस तरीके से। मैंने मिला लिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से देखिए हम अपने शोल्डर से यहाँ पर 2 इंच के तकरीबन एक निशान लगाएंगे। ठीक है, ये थे 2 इंच का हमने निशान लगा लिया है। अब इधर आपको देख लेना है, इधर आपको लेंथ कितनी रखनी है। मैं तो फुल ही रखूँगी अभी, लेकिन मैंने आपको 14 इंच बताया, तो 14 भी रख सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पर फुल रख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हमें इस तरीके का शेप दे देना है। ठीक है, अच्छे से हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें ढाल बनाना है, एक काफ़ी अच्छा शेप आना है हमारा। तो मैंने अच्छे से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। देखिए एक राउंड सा देना है हमें, उसके बाद यहाँ से ये कटिंग कर देना है। तो चलिए यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो अभी मैं, आप चाहें तो इस कपड़े को पूरा हटा लें इस तरीके से, उसके बाद ही कटिंग करें, लेकिन मैं यहाँ पर ध्यान देते हुए ये कटिंग कर रही हूँ ताकि हमारे नीचे वाली कुर्ती कट ना जाए, तो इसीलिए मैं उठाकर ये कपड़े को कटिंग कर रही हूँ। ठीक है,
इस तरीके से मैंने उठा लिया है। देखिए, ध्यान रखते हुए इस तरीके से कैंची हमें चलानी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी कुर्ती ना कट जाए नीचे की। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक और डिज़ाइन बता सकती हूँ। जो कपड़ा हमारा कटिंग होकर आया है ना, इसको इस तरीके से हम रख सकते हैं और दोनों तरफ हम पाइपिंग लगा सकते हैं और बीच में बटन वगैरह आ जाएंगे, तो ये भी लुक बहुत अच्छा लगेगा कुर्ती का। देखिए, इस तरीके से बटन आ जाएंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी कुर्ती को हटा देते हैं, उसके बाद इस वाली कुर्ती में हम लगाएंगे पाइपिंग। तो उसके लिए हमें तिरछा और एम में एक पट्टी कटिंग कर लेनी है। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा जॉइंट पड़ गया है तो मैंने डाल लिया है वो। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस तरीके से बहुत आसान है पाइपिंग लगाना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पाइपिंग लगा देंगे, ठीक है, राउंड राउंड सी यहाँ पर पाइपिंग लगा देनी है। तो चलिए मशीन से लगाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ये छोड़ दिए, क्योंकि हमारा मुझे डर है कि हाँ हमारा कपड़ा कम ना पड़ जाए। तो इधर का तो हमारी फिटिंग में भी चला जाएगा, लेकिन उधर का कपड़ा बिल्कुल भी, जो हमारे शोल्डर की तरफ कपड़ा है वो पूरा आना चाहिए, हमारी पाइपिंग पूरी लगनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर लगा लें और सिलाई बिल्कुल बराबर की आनी चाहिए, कहीं पतली या कहीं मोटी ना हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हमें सिलाई नहीं करनी टेढ़ी बेढ़ी, वो सीधी ही लगानी है। तो इसी तरीके से हम पाइपिंग लगा लेंगे। इस तरीके के मैंने बहुत सारे डिज़ाइन बनाए हुए हैं और इंशाल्लाह ताला वो बहुत चले भी हैं। तो फ्रेंड्स से आपसे गुजारिश है, अगर आपको और अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर सीख लीजिए। इस तरीके से देखिए लगाना है हमें, ऊपर तक ऐसे ही लगा देना है ये। और फ्रेंड्स से हमारा एक ब्लॉग चैनल है जो मैंने न्यू अभी शुरू किया था, तो फ्रेंड्स से उसमें ब्लॉग वीडियो बनाकर डालती हूँ, फैमिली वीडियो बनाकर डालती हूँ। तो फ्रेंड्स से अगर आपको चैनल पर जाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल का, और जाकर देख सकते हो। और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा दी। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से नोचिस लगा दूँगी, काफ़ी ठीक से हमें यहाँ पर नोचिस लगाने हैं ताकि हमारा कपड़ा ना कट जाए। इस तरीके से मैं यहाँ पर अच्छे से नोचिस लगा लूँगी, काफ़ी पास पास लगाने हैं ताकि हम जब पाइपिंग का यूज़ करें तो इसमें झोल वगैरह ना आए, ठीक है। इस तरीके से अब मैं यहाँ पर प्रेस का यूज़ करने वाली हूँ, तो प्रेस तो अच्छे से इसको सेट कर लेना है। प्रेस हमारे कपड़े में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग लाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर प्रेस के साथ ही कपड़े सिलोगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी कपड़े में। और फ्रेंड्स, डिज़ाइन चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें फिनिशिंग है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर पाइपिंग लगा लूँगी। तो पाइपिंग अभी मैं कच्चा करूँगी, यहाँ पर एक कच्चे धागे से आप पिनअप भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल बराबर की पाइपिंग निकालूँगी, कहीं मोटी कहीं पतली ना हो जाए। इस तरीके की मैं यहाँ पर पाइपिंग निकालूँगी, बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर कच्चा कर रही हूँ। उसका कच्चा करने का एक रीज़न और है, जब हम इसे अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे तो इसमें दो तीन सिलाई नहीं आएंगी, ठीक है, एक ही सिलाई से हमारे कपड़े में डिज़ाइन लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कच्चा कर लूँगी और इसी तरीके से हमें पाइपिंग यहाँ पर बढ़िया करके निकाल लेनी है। बिल्कुल बराबर की पाइपिंग आनी चाहिए, आप खुद देख लीजिए आपको कितनी बारीक कितनी मोटी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैं निकाल लूँगी पाइपिंग। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पाइपिंग अच्छे से निकाल ली है। अब देखिए, हम अपने कपड़े को इस तरीके से रख देना है, मिलाते हुए रख देना है। उधर से देखिए, शोल्डर का हमने 2 इंच छोड़ा था तो 2 इंच पर ही हमें रखना है। इस तरीके से मिला लेना है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। और तब तक मैं यहाँ पर देखिए लुप्पी बनाना सिखा देती हूँ आपको। ये एक डोरी बना लेनी है हमें, एक बारीक सी डोरी बना ली हमने, ये बद्दी बोलेंगे इसको। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर लुप्पी बना लेनी है। इसका मैंने एक और डिज़ाइन डाला है, मतलब कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें ये डिज़ाइन है इसका, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो या फिर आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए लुप्पी हम लगा लेंगे। पहले मैंने यहाँ पर कच्ची सिलाई बड़ी बड़ी लगा दी थी, उसके बाद देखिए बहुत आसानी से ये इसके अंदर चली जाएगी।
ठीक है, अभी मैंने कच्ची सिलाई का ही यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम पक्की सिलाई लगा देंगे तो देखिए एक हमारी पाइपिंग की सिलाई आती, एक हम इसमें अटैच करते तब आती, ठीक है, तो दो सिलाई हो जाती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक ही सिलाई से देखिए काफ़ी फिनिशिंग के साथ हम अपनी लुक भी लगा लेंगे, ठीक है। इनको अच्छे से सेट कर लेना है, पहले आपको देख लेना है ये कितनी दूरी पर लगानी है, सेट कर लें कहीं ये बाद में पास या दूर ना हो जाए। इस तरीके से देखिए मैं अच्छे से यहाँ पर सेट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं चौक से निशान लगा दूँगी ताकि हमें दिक्कत ना हो मशीन पर बैठते वक्त, आराम से इसको लगा दें, ठीक है, क्योंकि मशीन पर हमें ये नहीं दिख पाता है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमारा निशान है वहीं पर हम अपनी लुप्पी लगाते जाएंगे, ये कच्चा धागा यहाँ से तोड़ते जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी लुप्पी लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है नीचे कुर्ती में झोल ना आ जाए, इस तरीके से आपको अपने कपड़ा सेट कर लेना है। अब ये लुप्पी लेनी है, बिल्कुल निशान पर लगा देना है। देखिए धागा मैं तोड़ दूंगी जो हमने कच्चे धागे का यूज़ किया था, उसके अंदर देखिए इस तरीके से अपनी लुप्पी लगा देनी है और यहाँ पर एक छोटी सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरीके से हम सारी लुप्पियाँ लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पर लुप्पी लगा दी है, एक ही सिलाई आई है हमारी, और जो कच्चे धागे हैं अब इनको हम निकाल देंगे। काफ़ी फिनिशिंग के साथ ही हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब देखिए अब भी मैं ये कच्चे धागे हटा देती हूँ, ये जो हमारे नेक पर ये लगा हुआ कच्चा धागा इसको हमें नहीं हटाना है, और ये लुप्पियों के पास जो हमने धागे लगाए थे उनको हमें हटा देना है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक कटिंग कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर बुकरम ले ली है, इससे हम अपना बोथ नेक कटिंग करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख सकते हो। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे लेंथ लेनी है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच लूँगी और उसके बाद इसकी लेंथ भी हम 3 इंच ले रहे हैं, चौड़ाई लंबाई 3 3 इंच ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अब हम गोलाई बना देंगे। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊँगी, देखिए अगर हम इसकी गोलाई बनाएंगे 3 3 इंच की तो ठीक से नहीं बन पाएगी, तो हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे आधे इंच बढ़ाकर 3.5 इंच ले लिया है और इसकी लेंथ हमने ले ली है 3 इंच। अब इस तरीके से देखिए बहुत अच्छी गोलाई बन जाएगी, ठीक है। नेक में हमें गहराई बिल्कुल भी नहीं देना है, फैला काफ़ी देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नेक का निशान लगा लिया है, इन्हीं निशानों पर चलिए कटिंग कर लेते हैं। बहुत नेक में कपड़ा भी बहुत ज़्यादा कम लगता है, बुकरम भी बहुत ज़्यादा कम लगता है, और ये नेक पहनने में भी काफ़ी कम्फर्टेबल रहते हैं और छोटे भी होते हैं, तो बिल्कुल ठीक होते हैं ये नेक, मुझे पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब सबसे पहले देखिए हमने बाहर का बुकरम कटिंग कर दिया, उसके बाद ये अंदर वाला हम कटिंग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना नेक कटिंग कर लिया है, देखिए काफ़ी छोटा नेक है और काफ़ी कम्फर्टेबल है ये पहनने में भी, ठीक है। तो अब हम अपने कपड़े में इसको अटैच कर लेते हैं। तो एक कपड़ा ले लेना है, इसमें कपड़ा भी देखिए बहुत ज़्यादा कम लगता है, तो इस कपड़े में अब देखिए अब हमको बता देती हूँ मैं, यहाँ पर निशान लगा लेने हैं आपको, एक बीच सेंटर का निशान लगा लेना है और एक हमें थोड़ी बराबर का निशान लगा लेना है, ठीक है। तो अभी इन्हीं निशानों पर रखते हुए हमें अपने नेक को लगा लेना है, देखिए सेंटर से सेंटर मिलाना है और नेक से हमें नेक मिलाना है अपने जो हमने निशान लगाए थे ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हमारा बहुत नेक हो जाएगा और ये ज़्यादा फैलता भी नहीं है, और बाकी के जो नेक होते हैं हमारे, तो जब हम उनको जो नॉर्मल नेक होते हैं उनको हम इतने आसानी से नहीं लगा पाते हैं कपड़े में, काफ़ी जल्दी टेढ़े बेढ़े हो जाते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं भागते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे, उसके बाद इसको भी फोल्ड कर देंगे, और फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई ऐसा डिज़ाइन है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको बनाना नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ मुझे एक फ़ोटो सेंड कर सकते हो ताकि मैं उसे देखकर आपको वो डिज़ाइन सिखा सकूं, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फॉलो करें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा इसको कटिंग कर देंगे।
अब इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और इसका एक सेंटर कर लेना है हमें। पहले यहाँ से ये कपड़ा कटिंग कर देंगे, उसके बाद एक सेंटर का निशान लगा देंगे और यहाँ पर एक सेंटर पर एक नोटिस लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अच्छे से इस तरीके से ना अगर सेंटर कर लो तो हमारा नेक कभी भी टेढ़ा बेढ़ा नहीं बनेगा। अब जो हमारा डिज़ाइन है तो इसको ले लेना है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें इसको सेंटर कर लेना है अपनी कुर्ती का। फोल्ड कर ली है मैंने इसको अच्छे से। अब देखिए चौक से प्रेस करेंगे तो एक बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पर भी नोचिस लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर बड़ी आसानी से हम ये नेक यहाँ पर बना सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आप बहुत नेक बनाएं, आपको जो भी पसंद हो कोई भी डिज़ाइन का नेक है तो आप बना सकते हो। इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, अब इस पर हम कटिंग कर देंगे। जैसे हम नॉर्मल सा नेक बनाते हैं ठीक उसी तरीके से मैंने ये नेक बनाया है। उसके बाद ये कपड़ा कटिंग करके मैं यहाँ पर नोचिस लगा दूँगी, अपने नेक को फोल्ड कर दूँगी। तो काफ़ी इजीली हमने ये बना लिया है अपना नेक। अब इसको फोल्ड कर लेंगे, पहले अच्छे से नोचिस लगा लें इसमें ताकि झोल वगैरह ना आए, ठीक है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इस पर पहले कच्ची सिलाई लगा लें मशीन से, उसके बाद हम इस पर हैंड स्टिचिंग कर लेंगे तो हमारा नेक पूरा मतलब तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करना है आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हमारे डिज़ाइन एकदम तैयार है, अभी मैंने यहाँ पर हैंड स्टिचिंग नहीं की है, कच्ची सिलाई लगा ली हमने अपने नेक पर। जो भी धागे वगैरह उनको हटा दें, अब ये नेक है तो अब देखिए ये बटन हम लगा देंगे इन लुपियों के ऊपर इस तरीके से, तो ऐसा लगेगा ये काज और लुप्पी हैं, इस तरीके का डिज़ाइन लगेगा ये। ऊपर से ही हम बटन लगा देंगे देखिए इस तरीके से। उसके बाद पूरे फिनिशिंग के साथ उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, सिल लेना है। तो यहाँ पर अभी हमारा डिज़ाइन पूरा हो चुका है इस तरीके से, देखिए नेक पर हमने हैंड स्टिचिंग कर ली है और अपने बटन भी यहाँ पर हमने अच्छे से लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, और साथ ही बेल को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स से आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिखो था आप इस टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।